सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला आपको मैंने, एक पार्टिकल को ऊपर फेंका है स्टूडेंट, ठीक है, एक पार्टिकल को ऊपर फेंका है और उसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पूछा है। देखो अभी मैं आपको करंट आंसर समझाता हूं क्या है, करंट आंसर मैं आपको समझाता हूं क्या है स्टूडेंट, ठीक है, दिस इज टाइम, दिस इज वेलोसिटी। लेट अस सपोज स्टूडेंट जो वेलोसिटी ऊपर है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है, पॉजिटिव वेलोसिटी, और जो वेलोसिटी नीचे है उसको हम नेगेटिव वेलोसिटी लेंगे स्टूडेंट। तो जब भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं हम, जो इंस्टेंट में ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं वो तो टी जीरो है, और उस टाइम वेलोसिटी तो बहुत ज्यादा है और ऊपर है और पॉजिटिव है, तो स्टूडेंट यहां से ग्राफ बनना चालू होगा स्टूडेंट, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर है, टाइम जीरो है और वेलोसिटी बहुत ज्यादा है जब फेंका है, टी इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी पॉजिटिव है और उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मतलब ये पॉइंट बनेगा क्योंकि जीरो है, जीरो टाइम पे है वेलोसिटी। जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर ऊपर जाएगा स्टूडेंट वेलोसिटी पॉजिटिव होगा लेकिन कम कम होता जाएगा स्टूडेंट, तो मतलब एक आप याद ऐसा आएगा स्टूडेंट। तो दिस इज द टॉप मोस्ट पॉइंट, यहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, पार्टिकल नीचे आना चालू हो जाएगा स्टूडेंट, उसका मतलब उसका वेलोसिटी साइन में नेगेटिव हो जाएगा और मैग्नीट्यूड धीरे धीरे बढ़ेगा, तो होगा क्या स्टूडेंट, यही ग्राफ भी आगे जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। सो दिस इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जब हम ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकते हैं, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है।